चलिए वेलकम। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं और ऑफलाइन दोनों, ध्यान से देखिएगा कि आज 11th का जो है फर्स्ट क्लास है। इससे पहले थोड़ा बहुत मैंने बेसिक्स पढ़ाया, लेकिन आज ऑफिशियली जो है ये बैच लाइव हो रहा है। तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, आप सभी को काफी वेलकम है। जो भी बच्चे इंडिया के हर कोने से देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है जो कि काफी मात्रा में बाहर से एडमिशन लिए बच्चे यूट्यूब देखकर, तो आप सभी का स्वागत है अभी सर इंग्लिश वाले में। और आप सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आज का जो कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में समझने से पहले आज जो मैंने सिखाया है वो है डूअर और नॉन डूअर का कॉन्सेप्ट। जो डूअर होता है वो टेंस से बनता है, टेंस से। जो नॉन डूअर होता है वो पैसिव से बनता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दूध फट गया है। चलिए दूध फट गया है, बताइए, खड़े होइए और बताइए दूध फट गया है। आइए यहाँ स्टेज पर, आपको भी दुनिया देश देखेगी, सबको हाय हेलो कर दीजिए। ये हमारे 11th के बैच का स्टूडेंट है और ये सबके सामने रूबरू है और बताएगा दूध फट गया। बेटा बताइए डूअर है कि नॉन डूअर है? फट गया है यानी डूअर है। क्या ये सही है? दूध स्वयं फटता है, किसी ना किसी कारण से फटा होगा, तो डूअर है कि नॉन डूअर है? नॉन डूअर है, यानी ये टेंस में बनेगा कि पैसिव में बनेगा? वेरब बनेगा। दूध फटने का क्या होता है अंग्रेजी? दूध का होता है इजैकुलेशन, मिल्क इज इजैकुलेटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इतना कंप्लीट हो गया डूअर नॉन डूअर का कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूं कि वह गिर गई है, डूअर कि नॉन डूअर? अगर मैं कहूं राम बाजार जाता है, डूअर कि नॉन डूअर? डूअर, क्योंकि कौन जा रहा है? अच्छा, हम कहें एक पत्र लिखा गया है, डूअर कि नॉन डूअर? नॉट डूअर, क्योंकि पत्र लिखा गया, स्वतः तो लिखा नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर किसी को समझ में नहीं आया है या जो भी नया स्टूडेंट है, वह शाम को 5 से 6 ऑफलाइन आके आज अपना क्लास कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग आज प्रवेश करने वाले हैं नए चैप्टर में और आज से सिलेबस अपना स्टार्ट है, नो डेमो एट ऑल। चलिए बात करते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए सवाल में ध्यान से देखिएगा, अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हर व्यक्ति को यहां देखना है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक मैंने दो चीज पढ़ाया है, एक कॉन्सेप्ट डूअर का पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट नॉन डूअर का पढ़ा है। फॉर्मूला पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड इसलिए पढ़ाया था क्योंकि अदर वर्ड में कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट और वर्ब कार्य करता है, असर पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट और वर्ब कार्य करता है और असर नहीं पड़ता है तो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं कहूंगा रात में हंसती है, तो शी लाफ्स इन द नाइट, तो नाइट बोलिए कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है? क्योंकि वह जब हंसेगी तो रात पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं कहूं कि वह एक आम खाती है, शी ईट्स अ मैंगो, तो मैंगो पर प्रभाव पड़ेगा, तो मैंगो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था, तो जिसका छूटा एक घंटा जरूर समय दीजिए। अगर आप चाहते हैं जीवन में बेस्ट बनना, तो यहाँ पे जितने गूगल पर आपका सर्च खत्म होता है, वैसे ही करेजमेटिव में आकर आपका अंग्रेजी खत्म होता है। यहाँ से पढ़ाई पूरे क्या बोले खुद यहाँ पढ़कर मिलाकर देख लीजिएगा। मेरा तो यूट्यूब क्लास देखते हैं बच्चे बहुत मात्रा में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर मेरा डेमोस होगा, देख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं स्विच। सबसे पहले बात करते हैं, ये अपने गले का फोटो होता है, इसको यहाँ पे स्विच बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, आवाज दो प्रकार का होता है, एक होता है वोकल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। कौन कौन सा साउंड जी? वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। जो वोकल साउंड होता है वो यहां से निकलता है, यहां से, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो हमारे जीभ से, हमारे लिप से, हमारे तिथ से और हमारे अदर बॉडी पार्ट से निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमको क्या करना है, तुमको अपने पेट पर सब सीधे करके बैठ जाओ और अपने पेट पर हाथ रखो और बोलो हॉर्स,
नहीं बोलो पेट में जो जैसे का नाम लेना है तो सही लेना पेंदे जी। जैसे मेरा नाम है एबी सर, लोग कहता है अभय सर, अभय सर, अभय सर, हाय सर, हाउ सर, क्या सर, बनी ना नहीं। तो कौन सर कह रहे हैं? एबी सर। तो इसी तरह से कहिए पेट भरा देगा ये हॉर्स। देखिए तो पेट पर जो पड़ा है, पड़ा है। अब आपको बोलना है पापा, जिसमें आपको क्या करना है मुंह खोल लीजिए, मुंह खोल लीजिए। अब बिना ओठ के इस्तेमाल किया आपको पापा बोलना है। अब बोलिए पापा। अरे कह रहे थे पापा जाना था विद्यालय, ससुर चल गया शौचालय, गए हो गए कहो पापा। वो बोलेगा यानी इसे क्या समझ में आता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहां से ही निकलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिना होठ के नहीं चलेंगे। पटवा पकड़ के बोलिए आ आ ए आ आ आ आ ई, ऐसा होता है ना। मैं उसके बारे में बात करते हैं या स्विच है। तो ध्यान से देखिए माउथ टंग लिप्स टीथ से जो सब आवाज निकलता है उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। यानी जो आवाज आपके माउथ मुंह से टंग से लिप से टीथ से निकले उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, और जो साउंड यहां से निकले यहां से वोकल साउंड कहलाता है। जैसे आपको बोलना है मुंह खोल के बोलिए, बोलिए बता रहे हैं मुंह खोलो, मुंह खोलो, बोलो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का और देखो तो यहां से निकल रहा है और किससे शुरू होता है, एक मिनट किससे शुरू होता है, नहीं लगा था इधर, किससे शुरू होता है यू से, अम्ब्रेला है ना यू से शुरू होता है ना, लेकिन देखो तुम बोलो इस यू को यू पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कौन सा साउंड, वोकल साउंड यानी अम्ब्रेला। अब तुम बोलो यूनिवर्सिटी, यू से शुरू होता है ना। अब देखो तो यूनिवर्सिटी यहां से निकल रहा है कि यहां से निकल रहा है, यूनिवर्सिटी कहां से निकल रहा है, वोकल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। यानी जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे ए लगेगा, जो वोकल है उसके आगे एन लगेगा। लाइक इसी के लिए रूल लिखवा रहा, पकड़ के देख लो यूनिवर्सिटी यहां से नहीं निकल रहा ए लगा दो, अम्ब्रेला ओ यानी एन लगा दो एन अम्ब्रेला। तो कहां कॉन्सेप्ट है, यहां लेकर रखा है फलाना रूल लिखा है, जा रूल पर रूल, रूल पर रूल, रूल पर रूल। अरे जो यहां से निकलता है एन चेको, जो यहां से निकलता है ए चेको, सारा रूल खत्म। पर रूल नहीं, यू से करो कहां से नहीं, हम यू को यू पढ़ है ओ पढ़ है, पढ़ के देखो तो अम्ब्रेला है यू से लेकर ओ का कह रहे हो ओ एन चेको यूनिवर्सिटी यू ए लगाओ मैंगो मैं मा मा ए लगाओ बुझाया नहीं। ए एन लगाने का आर्टिकल कॉन्सेप्ट सिखा दिए, कोई दिक्कत हुआ? जो यहां से निकलता है उसके आगे ए लगाना है, जो यहां से निकलता है उसके आगे एन लगाना है। इसी दो शब्द को लैंग्वेज में डाल देंगे, क्लियर है कॉन्सेप्ट ना है, कोई इस्तेमाल जगह ना मिल जाए नाम है मेरा लेकर बहुत अच्छा नहीं है। चलिए मजाक कर रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ स्विच लगा है, ये सब हो गया आगे आइए। अब साउंड जो है बेटा तीन प्रकार का होता है, ठीक है आइए ध्यान से देखते हैं साउंड कितने प्रकार का होता है। ये अपना सिलेबस हम शुरू कर दिए हैं, ठीक है बेटा ये सिलेबस शुरू कर दिए हैं। और आपको क्या करना है, आपको दो चीज करना है, इसको उतारना भी है और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। हर चैप्टर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, ठीक है। आप सभी का 11 का एक ग्रुप बनेगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, सारा चीज अपडेट आपको मिलेगा। मेरे यहाँ तीन चार फायदा मिलेगा। पहला चीज कि टोटल चीज ऑनलाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि आस्की 2 की तरह आस्की 3 आ जाए, कोरोना 3, तो आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है। मेरा ऑलरेडी ऐप है एबी सर इंग्लिश वाले, नंबर 1 ऐप है मोतिहारी में, आज के डेट में आप एक बार चेक करके देखिएगा तो सारा चीज वहां से आपको मिलते जाएगा। वैसे भी ऑनलाइन क्लास मेरा चल रहा है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं हंसते हंसते जाए कम जला गाजी पहन के मत देखो, टी शर्ट पहन के देखो, चलो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आ जाओ, तीन तरह का साउंड निकलता है,
एक निकलता है, देखो एक चीज समझाते हैं, तुम में से कितना ऐसा लोग है जो यूनिट एंड डायमेंशन अभी पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का पहला चैप्टर है, अभी कहीं अगर फिजिक्स नहीं होगा तो सबसे पहले आप लोगों को यही पढ़ाता है लोग, यूनिट यूनिट पढ़ाता है, यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें तुमको पढ़ना है हाँ मात्रा पर बीमा, बीमा क्या है अपना करा लेना कोरोना चलकर ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको समझिएगा जरा कि इस धरती पर सबसे पहले सेंटीमीटर आया था, सेंटीमीटर CGA सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, फिर आया FPS फुट पाउंड और सेकेंड, फिर आया MKS मीटर किलोग्राम और सेकेंड, और MKS has been considered as system of international unit, यानी हमारा एक मीटर और अमेरिका का एक मीटर पहले क्या होता था, देखिए पहले क्या होता था जब माप नहीं था तब पहले आप लोग जानते हो ना बार्टर सिस्टम चलता था, किसी ने बार्टर सिस्टम का नाम सुना है, जो बच्चे सीबीएसई आए हैं जरूर सुने होंगे बार्टर सिस्टम का नाम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, पहले मोहल्ले में होता था कि आपके घर में एक आंटी आई है उनको चाय पिलाना है, आपके घर में चीनी खत्म है तो दुकान नहीं भेजता था, लोग पड़ोसी ढूंढते थे एक कटोरी चीनी, अब वो एक कटोरी चीनी के बदले क्या जाता था, पानी भेजेगा पार्टनर सिस्टम क्या था बेटा कि एक सामान दीजिए और दूसरा सामान लेना देना चालू रहता था, आजकल पार्टनर सिस्टम खत्म हो गया है कुछ और लेना देना चालू है, मेरे बाबू ने खाना खाया है अपने लिए लेकर कैडबरी का चॉकलेट नहीं खरीदा होगा, कौन ऐसा लड़का है जो बोलो अपने लिए चॉकलेट खरीदता अपने खाने के लिए, बहुत सुंदर यानी गारंटी है कि सब देता है, गारंटी है सब देता है। अपने कहे कि सिर्फ 60 रुपए का हमसे किनाएगा, अब वैलेंटाइन डे आ गया था जितना महंगा से महंगा चॉकलेट दिखाइए तो जरा होता कि नहीं, कहता हमारा सा आदान बदान चला है अब चॉकलेट दे देगा क्या कहता है यहाँ पर मैं होता है चले पार्क में ना, तो वाटर सिस्टम खत्म हो गया, अब कौन सिस्टम चल रहा है, तो गाना है ना ये नीतलाना बहरी नीतला बहरी मिले खतियाई पड़े तो गांव से लफरी है, तो क्या है ये वाटर सिस्टम खत्म हो गया अब चार्टर सिस्टम शुरू है, तो आधा जो क्या है कि वो चोर था, ध्यान से देखिएगा वो चोर था, चोर क्या करता है चुराता है, तो उसको एक बाबा से भेंट हो गया, बाबा बोले कि रे चोट्टा तुम चोरी छोड़ो, तुम चलो मेरे आश्रम में तुमको हम ज्ञान देंगे, तुमको हम महान आदमी बना देंगे, चोर को भी लगा कि ना भाई बाबा सही कर रहे हैं बाबा की जय, ले गए बाबा उसको, सब बाबा जब सुत जाए तो रात में ही उठ जाए, लाइक था चोर उसको तो मन लगे नहीं रात भर चोरी करता था, ये सोचे कि हम क्या करें, तो रात भर ई बाबा कमांडर उठा के उनके पास, उनका कमांडर उठा के इसके पास, उसका कमांडर उठा के इसके पास, सब जो बाबा सवेरे उठे देखे सब कमांडर बदला हुआ है, इसी पर फ्रेज बना है कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना, चोरी छोड़ देगा लेकिन हेरा फेरी शुरू कर देगा, खैर आगे बात करते हैं, तो याद रखिएगा जो साउंड होता है बेटा उसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार से एक IPA होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, वो क्या होता है समझ लीजिए, जैसे आप मुझसे मिले हैं तो आपको अंग्रेजी के संसार में ले चलेंगे, आपने पढ़ा होगा A for apple, B for boy, C for cat, E for dog, ये एशिया में होता है, कहाँ होता है एशिया में, पूरे वर्ल्ड में ये नहीं चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है A as an alpha, B as an bravo, C as in Charlie, D as in delta, E as in echo, F as in foxtrot, D as in ball, H as in hotel, I as in India, look इस तरह से बहुत बड़ा है। जैसे आपको बताना होगा कि जैसे आप कोई आपसे बोले फोन पर कि हाउ यू स्पेल योर नेम, इज आप अपना नाम कैसे स्पेल करते हैं, तो आप कहिएगा ये माय नेम इज पपी, तो बोलेगा कि हाउ यू स्पेल, तो बोलेगा ए फॉर अभागा, बी फॉर
पाका भागा सी बहुत छोटा, तो ऐसे बोलिएगा, क्या बोलेगा, तो वहां पे बोलना पड़ता है इट्स इज एन अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, तो ऑटोमेटिकली लिख लेगा। तो उसी को कहते हैं आईपीए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फोनेटिक, जो कि आप लोग को दूर दूर तक नहीं मिलेगा मोतिहारी में, अगर आप कहीं और पढ़ते तो वो मैं आपको लिस्ट दूंगा। तो एबीसीडी जो है एशिया में चलता है, पूरे वर्ल्ड में अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा चलता है। आप लोगों ने देखा हो मूवीज वगैरह में चार्ली होता है कि टैंगो 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 चार्ली, वायरलेस पर बतियाता है, तो वही ओरिजिनल लैंग्वेज वही होता है इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का। हम लोग यहाँ टैंगो चार्ली सिनेमा भी है और जानकार है, कोई बात नहीं, अब ध्यान से लिखिएगा। तो वर्ड को तीन तरीके से बोलते हैं, चल बेटा ध्यान से देखो, वर्ड को तीन तरीके से बोलते हैं, एक होता है शॉर्ट साउंड, एक होता है लॉन्ग साउंड और एक होता है लेजी साउंड, इन तीनों को आईपीए बोलते हैं। अब शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड क्या होता है, ध्यान से देखो, हमने लिया एक लिखा शिप, इसका मतलब होता है टट की पैखाना, शिट माने होता है, आप उन्हें कहता है लड़का कहता है ओह शिट, तो उसको नहीं पता है कि शिट माने क्या होता है, इसीलिए वो बोलता है। तो दरअसल कहता है हिंदी में इसका निकाला जाए, लोग कहता है ओह शिट, तो कहता है ओह पैखाना, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसीलिए वो कहता रहता है शिट यार, शिट माने हो गया गुरु टट की पैखाना। अब कहो आज के बाद कहेगा जान गया था, नहीं कहेगा, पहले लड़का सब लड़के समझता है ओह शिट मैन, यू नो व्हाट हैपेंड मैन, शिट मैन, सनीमा में देख के रेखा से पूरा हवा पानी हो जाता है, ऐसा करेंगे रे शिट कहेगा। अब देखो ये शॉर्ट साउंड है शिट, अब देखो इसी को लॉन्ग बनाओ, सेम प्रोनाउंसिएशन, देखो शी, क्या बोलेंगे शी, जैसे तुमको बोलना है एक मिनट, ये देखो ये एक शीट पेपर है, क्या है एक शीट पेपर, अब तुम गलती से बोल दो आई वॉन्ट अ शीट टू राइट, आई वॉन्ट शीट टू राइट, तब तुम कहने का मतलब है कि तुमको टट्टी चाहिए लिखने के लिए, यही कहेगा, तो तुम बोलेगा आई वॉन्ट अ शीट। तो ये हो गया लेजी साउंड, पहले ये शॉर्ट साउंड और ये शीट हो गया तुमको लॉन्ग साउंड। लेजी साउंड क्या होता है, जिसमें कोई स्पार्क ना हो, जैसे नॉर्मल बोला, जैसे देखो तुम लोग अभी तक जो बोलते हो तो ध्यान से, तुम लोग गलती बोलते हो, क्या बोलते हो जरा समझ लग से, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है कोई बता देगा, 1000 रुपए इनाम लेने का सही प्रोनाउंसिएशन कोई बता देगा, नहीं इसका सही प्रोनाउंसिएशन चिटाए, चिटाए, लेकिन चूंकि हम लोग मोतिहारी में रहते हैं हर चीज में का लगाना है, मोबाइल वाह बेंचा वाह जैसे बहुत देखा, इसको क्या पढ़ता है, इसको पढ़ता है देयर, देयर नहीं होता है इसको, इसको देयर होता है देयर वर्ड, देयर वर्ड नहीं, इसको कहेंगे दे, दे, H E H E R E, ही पता है ही होता है ही, कम ही। अब इस बात को बोलेगा यहाँ मोतिहारी में तो लग पाएगा ना, पहला आ गए भाई, याद है जी पहला आ गए, क्या ये होगा, कहेंगे तुम सही बोल रहे हो, गलत बोलेगा तो सब सही है, यानी कहने का तो क्या है, तुम फूल रहा है, बर्बाद हो रहा है, तब कोई नहीं तुमको देखेगा, लेकिन तुम अच्छा हो रहा है तो सब कोई जलन जरूर होगा, किसी के दरवाजे पर भी स्कॉर्पियो आ गया अगर रात भर नहीं सोया। बिहार का नियम देखो, तुम्हारे घर में लाइन है, बगल वाले के यहाँ लाइन नहीं है, तुम चैन से सोया, तुम्हारे घर में लाइन नहीं है, बगल वाले के यहाँ लाइन है, तुम इस बात से नहीं सोया कि ससुर घर में लाइन कैसे है, हमें लाइन का तो कहने का तो क्या टेंशन। तो खैर आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा उसी चीज को समझाने का यहां प्रयत्न किया गया है कि याद रखिए ध्यान से, तो यहां पे आ जाइए, वो चीज समझा दिए हैं, अब यहां पे आएगा कॉमिंग तो अभी लेता है, कमिंग होता है, हाँ सर, सर सर सर
वैसा लिखेगा पढ़ेगा जैसे मन जाएगा वैसे, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ेगा ना, जैसे तुम कोई बच्चे दिखाते हैं देखो अब तुक्का दिया है तुम्हारा बेइज्जती करेंगे वो, चांस देखो। क्या लिखा है ये बच्चों भाई, क्या लिखा है? बकबुल 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 ये बकबुल लिखा है। देखिए कौन है ऐसा ये बता सकता है क्या है? इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा की बात है। एक वो लड़का मेरे पास आया, एक दिन आया आके कहा कि सर हमारा उस टाइम हम शुरू शुरू में आए थे, मेरा पढ़ाई लिखाई यहाँ से नहीं है, बाहर से हम पढ़े हुए हैं ठीक है ना। तो आया आके हमसे कहता है सर 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 हमारा बहुत भूल गया पैसे ठीक होगा, तो हम बोला बोला बीमारी हो गया है तो हम बोले तुमको डॉक्टर से दिखा लो। हाँ खूब बच जाते हैं सर, पैसा लीजिएगा हम दिखा देखो सर। हम बोले कहाँ मतलब हुए अरे सर हम मेरा भूख भूल गया ठीक कीजिए ना। तो हम बोले कहा अरे भूख भूल भूल तो बोले क्या होता है भूख भूल रे सर व्हाट मीनिंग है ना। हम बोले ओ मतलब इसका बात कर रहा है। अब देखो इसको आधा देखो लोग गलत का पढ़ता है, वो पढ़ता है देखो भी ओ भो ता बू ला री। तो जब तू इसको भोका पुलरी पढ़ेगा तो भाई क्या लिखा है? क्या लिखा है? सा। भाई लिखा है ले। इसको पढ़ो साले 10%, साले 20%, साले 30%, साले 40%। पर लेके ऐसा डिस्काउंट चला है साले 50%, साले 60%। मारे हो जाए पर गलत है कि सही? अब हम पढ़ा रहे हैं, अब तुम अगर इसको भोका बोल लिखा है तो इसको भी साले को तो दी होता है बोल तो तुरंत पाने नहीं आ रहा है तो कहो वो कब लड़ी। जाते समय वो एक्सरसाइज करना सब इस ग्रुप में होगा सबके पास जाना, कोई भी मिठाई की दुकान में जाना दो गो रसगुल्ला खरीद लेना खाना नहीं एक रसगुल्ला एने दाब लेना एक रसगुल्ला एने दाब लेना आप कहना वो कब लड़ी तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो क्या लड़ी। यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? और ये ऐसे नहीं आएगा जब तक रसगुल्ला के ऊपर नहीं दबेगा उसको लगता लेना पैसा देना उसके मुंह पकड़ना वो जैसे तुम रसगुल्ला खा रहा है कोई तुम पूछेगा कैसा लग रहा है तुम व्यक्ति नहीं कर सकता कैसा लग रहा है रसगुल्ला खाए तो व्यक्त कर सकता है जैसे क्या करेगा जब मीठा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना लेकिन मजा जो आ रहा है उसको व्यक्त कैसे करेगा रे आई राम रे क्या रसगुल्ला हमार दाता हो ये रसगुल्ला ऐसे कीजिएगा। अरे मजाक नहीं कर रहा बोलो तुम रसगुल्ला खा के व्यक्त कर सकता है कि रसगुल्ला कैसा लग रहा है बनो है ये रसगुल्ला व्यक्त कर दे खाता है इसको क्या पढ़ेंगे बेटा वो कैबुलरी। अब ये कहेगा दादा वो कैबुलरी कहो वो कैबुलरी सब बोलो वो कैबुलरी ये बोल से साइन देते हैं तेरे बोल के दिखा दो जो बोल देगा 10 बार उसको हम देंगे 1,00,000। एक चीज लिख रहे हैं तुमको बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ मतलब इसको पढ़ना है तुमको जो पढ़ देगा हम समझेंगे कि सही में होशियार लिखा है। लिखा है अपर रोलर लोअर रोलर इसको तुमको मेरे जबान में 10 बार पढ़ना है जो पढ़ देगा 10 बार मेरी तरह मैं उसको 1,000 रुपया बुलाकर अभी सम्मानित करूंगा लेकिन 10 बार एक सांस में पढ़ना है प्रॉमिस है मेरा 1,000 रुपए 10 बार नॉन स्टॉप बिना सांस छोड़े ठीक है बोलना है। आर यू रेडी? यस सर।
यहाँ अंग्रेजी सिखाया जाता है, साफ तुम्हारा जमा ऐसे बना देंगे ना, डे विल कम दैट यू विल बी स्पीकिंग लाइक एनीथिंग, दैट आई प्रॉमिस टू यू, यू विल बी मिडिल क्लास इन योर लाइफ, डे विल कम दैट यू विल बी गोइंग आउटसाइड एंड यू विल बी सेइंग दिस वर्ड एंड यू आर गोइंग टू बी कंकर्ड, दैट इज आई प्रॉमिस टू यू, सो मेक श्योर यू हैव टू से 10 टाइम्स लाइक दिस, अपर रोलर, एक सांस में नमस्कार बोलने वाला कौन है, खड़ा के बोलो, कम हियर माय डियर, चलो, वेरी गुड, एट दिस यू डियर्स, वेरी गुड, कम ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट लाइक दिस, बोलिए देखे देखे बेटा पंखा है, इधर आ जाओ, ये अपने साइज से हम लटका है, बोलिए नहीं बोलाएगा, अगर बोलाते तो हम एक हजार रुपया प्यारा नहीं तुमको पहला नाम दे देंगे, ठाकुर खुश हो जाएगा, नारे दादा जवानी नहीं देंगे, तुझे पहला भी नहीं करेगा, बहुत सुंदर ट्राई किया आपने, बहुत सुंदर अति सुंदर, और कोई भाई साहब चलो खड़ा हो, आया जल्दी, अरे खड़ा हो बोल, अपर रोलर लोअर रोलर कहाँ पे जल्दी, पता अपर रोलर इन्हें रोलर इन्हें रोलर अपर रोलर, सब चिल्ला के बोलो मेरे साथ, अपर रोलर लोअर रोलर, बताए अपर रोलर नीचे रोलर या नल रोलर ओनल रोलर केने रोलर धोना रोलर पकड़ा रोलर घोड़ा रोलर हेने रोलर मुंगी रोलर यानी तुम समझो मैं क्या सिखाना चाहता, जोक से पार्ट तुम्हारे यहाँ गला फिट नहीं है अंग्रेजी बोलने के लिए, करेक्ट, यू आर नॉट फिट टू स्पीक इंग्लिश जस्ट बिकॉज दैट यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय ओनली डूइंग कटिंग कॉपी पेस्टिंग, दैट कॉपी पेस्ट इज नॉट इंग्लिश, आप अभी तक जो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं वो कट कॉपी पेस्ट है, आपने सीख लिया है, जैसे आप आइएगा स्टेज पर बोलेगा हाय माय नेम इज रवि रोशन एंड आई एम फ्रॉम दिस हॉस्पिटल, देगा माने थे माय फादर इज है या तो नहीं आ रहा हूं मैं, आई एम मैं को थे माने पति इतना हूं कहते हैं ऐसा ही करना शुरू कर दीजिए, क्या ये अंग्रेजी है, ऐसा ही करना चाहते हैं क्या, आप नहीं चाहते हैं कि जमाने को उसके मुंह से मुक्का मार के खून निकाल दे अंग्रेजी बोल के, दुर्दांत तोड़ दे, रबर बैठा के दांत नहीं तोड़ सकता है, तो आपको अंग्रेजी में बेस्ट बनने के लिए अंग्रेजी बेस्ट करना है, दैट इज हाउ यू नीड टू कम टू कैरिज्मेटिक, इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल गिव यू दैट मच ऑफ कैपेसिटी दैट यू कैन डू मिरेकुलस वर्क इन लाइफ, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, बिकॉज़ मैं आपको ऐसा कराऊंगा ओनली 10 डेज, 10 दिन इंतजार करके देखिए, 11वें दिन यू विल बी द किंग ऑफ इंग्लिश, दैट इज माय प्रॉमिस, अदरवाइज मत आना छोड़ देना बैच, इससे ज्यादा कोई और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो जुजबा वो जुनून मैं तुम्हारे अंदर पैदा करता हूं, मैं एक्सरसाइज कराता हूं इसका भी, वो अलग प्रैक्टिस होगा, वो तुम्हें जबरदस्त सीन देगा, ऑनलाइन आप सुन रहे हैं देख रहे हैं, आपके अंदर भी जब गर्मी आ रही होगी तो ज्यादा मारा होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका सिलेबस अब शुरू हो चुका है, कोई डेमो नहीं है, जो डेमो था दो दिन हमने दे दिया, जो छोटा है वो 4 से 5 नहीं 5 से 6 आपको आना है, ठीक है, 5 बजे आप में से किसका इसमें छोटा है क्लास जल्दी से आप उठाइए, आज 5 बजे आप लोग आ जाएंगे ना, जिनका भी छोटा है 5 बजे आ जाएगा, कल से साफ सीना छोड़ा करेगा, यस सर आई कैन प्रोटेक्ट दिस, दैट इज अ प्रॉमिस टू यू, तो आज 5 बजे मिलेगा, टाइम हो चुका है, बाकी कल से हम चैप्टर यही स्टार्ट करेंगे, कल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे पर, आपने बहुत सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा लेकिन मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ अलग होगा, मैं कुछ अलग चीज दूंगा, ठीक है, और ध्यान से रखिएगा कि टाइम से आ जाएगा, रुपेंद्र चलिए आज के लिए इतना ही, ऑनलाइन बच्चे जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, आप सभी ऐप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ऐप से वाले गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, ऐप से सर्च करके, ठीक है, जय हिंद जय भारत।